आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी यूसुफ पर बड़ा खुलासा। 2 महीने पहले आतंकी ने आईईडी का किया था ट्रायल। उतरौला के आतिशबाजों से खरीदा था बारूद। 2 पटाखा व्यापारियों को हिरासत में लिया गया। 1.5 साल पहले बलरामपुर में मिला था सैटेलाइट फोन। एबीपी गंगा पर आतंकी यूसुफ के पिता का बड़ा खुलासा। कहा अलग कमरे में रहता था अबू यूसुफ, पत्नी बच्चों से भी नहीं रखता था, मतलब परिवार के किसी सदस्य से नहीं करता था बात। आतंकी के पिता का कहना है कि यूसुफ किसी से मिलता ही नहीं था, दुबई सऊदी में रह चुका है अबू यूसुफ, पता नहीं था बेटा ऐसा करेगा। मेरठ के गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो मामले में बड़ी कार्रवाई। पेशी के दौरान होटल से भागने के मामले में एक्शन। 5 पुलिसकर्मियों को किया गया बर्खास्त। देहरादून में हुई भाजपा कोर कमेटी की बड़ी बैठक। 2022 चुनाव और सरकार में खाली पड़े 3 पदों पर हुआ मंथन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के कई पदाधिकारी बैठक में रहे मौजूद। अमेठी में कानून के रखवाले उड़ा रहे कानून की धज्जियां। पुलिसकर्मी विजिटर चेयर पर बैठकर खुलेआम कर रहा धूम्रपान। पुलिसकर्मी के धूम्रपान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीओ ऑफिस गौरीगंज का है मामला। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। हाईवे पर वसूली करने वाले सिपाहियों पर गिरी गाज। ट्रक ड्राइवरों से वसूली करने पर दोनों सिपाही निलंबित। एसएसपी आगरा के आदेश पर हुई निलंबन की कार्रवाई। नैनीताल में एक गुलदार के घर में घुसने और एक पालतू बिल्ली को ले जाने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। घर के लोगों को जैसे ही इस बात की भनक लगी और मौके पर पहुंचे, तो गुलदार बिल्ली को छोड़कर भाग गया। तल्लीताल में चिड़ियाघर के पास बने एक घर में बार बार गुलदार आ रहा है। 19 जुलाई की रात को भी इस घर से एक कुत्ते को गुलदार ने अपना निवाला बनाया था। आए दिन घर में गुलदार के आने से परिवार भी दहशत में है। बाढ़ का खतरा झेल रहे बलिया के लोगों के लिए अब मगरमच्छ भी खतरा बन गया है। बैरिया तहसील के गंगापुर गांव में 6 फीट लंबा मगरमच्छ घुसाया। मगरमच्छ को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बमुश्किल रस्सी से मगरमच्छ को बांधा। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। एसपी आवास के नजदीक घर में बोला धावा। राजीव एनक्लेव कॉलोनी में 2 अज्ञात चोरों ने एक घर से कैश और लाखों के माल पर किया हासा। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। लखनऊ के पारा इलाके में 12 साल की बच्ची की हत्या। शनिवार सुबह 9 बजे से गायब थी मासूम। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर मिली लाश। सीतापुर के फूलपुर गांव में ग्रामीणों की दबंगई। रास्ते के विवाद को निपटाने पहुंचे सिपाहियों से ग्रामीणों ने की मारपीट। घायल सिपाहियों को जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। 18 हिरासत में। आगरा पुलिस को एनकाउंटर में बड़ी कामयाबी मिली। शाहगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों में जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस ने 9 बदमाशों को घेर कर दबोच लिया। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश और दारोगा घायल हो गए। बदमाशों पर कई दर्जन मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। उनके पास से करीब 10 किलो चांदी, तमंचे और वाहन बरामद हुए। शाहगंज में चांदी लूट का भी खुलासा हुआ। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 1 मौके से फरार। बदमाश के कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद। बदमाश पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आम के एक बाग में गौकशी पर की थी छापेमारी। उसी दौरान पुलिस पर बदमाशों ने गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गौ तस्करों का एक साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से 1 जिंदा गौवंश, कटान के उपकरण, 1 तमंचा, 2 बाइक, 1 टेम्पो और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस और शातिर बदमाशों में मुठभेड़। बदमाश गणेश के पैर में लगी गोली। मथुरा और बरसाने क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है घायल बदमाश।
बदमाश पर 20,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा था। इसके पास से एक तमंचा और एक बुलेट गाड़ी मिली है। बदमाश के ऊपर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। बाराबंकी के जैतपुर क्षेत्र में पुलिस ने दो नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 300 ग्राम मॉर्फिन बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अंडरवियर की रबड़ में मॉर्फिन को छिपाकर सीमा को पार करते थे। अभियुक्तों के दो साथी अब भी फरार हैं। बागपत के दोघट थाना पुलिस और आबकारी विभाग को मिली कामयाबी। चेकिंग के दौरान कैंटर को पकड़ा। नकली शराब बनाने के सामान का जखीरा किया बरामद। कैंटर चालक की हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का खुलासा। 14 अगस्त को खेत में पेड़ से लटकी मिली थी युवक की लाश। प्रेम प्रसंग के चक्कर में आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर की हत्या। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पहले युवक को कीटनाशक दवाई पिलाई, उसके बाद उसका गला घोटा। मृतक आरोपी की बहन से प्यार करता था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पागलनाला छिलका क्षेत्रपाल में आया मलबा। बारिश के चलते हाईवे खोलने में हो रही दिक्कत। ऑल वेदर रोड के काम और बारिश से आ रहा मलबा। हाईवे बंद होने से चारधाम यात्रियों को परेशानी। जिले में 27 लिंक रोड बंद होने से बढ़ी मुश्किलें। कर्णप्रयाग में फिर छाए काले बादल। बीती रात को भी हुई झमाझम बारिश। लगातार बारिश से तापमान में आई गिरावट। तेज बारिश ने रामपुर जिले की नदियों में उफान ला दिया है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 36 चौकियों का निर्माण किया गया। तटबंध की सुरक्षा में कर्मचारी भी तैनात हैं। रामनगर बैराज से छोड़े जा रहे पानी से ग्रामीणों में खौफ। यूपी में बारिश से उफान पर नदियां। गोंडा में बाढ़ के हालात से खौफजदा लोग। कर्नलगंज तहसील के आधा दर्जन मजरे बाढ़ की चपेट में। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर नीचे। नरोरा बैराज से लगातार बड़ी तादाद में पानी छोड़े जाने के कारण कासगंज में बाढ़ के हालात हैं। पटियाली तहसील के 5 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। कई गांव के रास्ते मुख्य मार्ग से कट गए। प्रशासन ने बाढ़ के हालात को देखते हुए तटीय इलाकों में तटबंध निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी में एक महिला और उसका पति चट्टान के नीचे दबने से घायल हो गए, जिनको ITBP के सहयोग से 6 दिन बाद मुनस्यारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुनस्यारी मल्ला जौहर समिति के अध्यक्ष ने इस बात पर बड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से घायल महिला को हेलीकॉप्टर से लाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं दी। 6 दिन बाद महिला को इलाज मिल पाया है। ICMR के मुताबिक 22 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,55,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9,00,000 सैंपल की टेस्टिंग शनिवार को की गई। पॉजिटिव रेट 7% से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 30,44,940 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 56,706 लोग की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,07,000 हो गई और 22,80,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.72% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 24% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 74% है। यूपी में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 5,375 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 24 घंटे में 70 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 48,294। अब तक 1,31,295 लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी, चकबंदी विभाग और किसानों के बीच चल रहा विवाद नहीं थम रहा। त्रिपटी गांव में भारतीय किसान यूनियन ने NS-709 के विवाद को लेकर की पंचायत अधिकारियों और ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए की कार्रवाई की मांग। गुरुग्राम में सोहना रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरा।
दो घायल मजदूर अस्पताल में भर्ती, उस वक्त ज्यादा लोग घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, इसलिए बड़ा हादसा होने से बच गया। फिलहाल पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। सोहना रोड और बादशाहपुर को जोड़ने वाला ये निर्माणधीन फ्लाईओवर 5 किलोमीटर लंबा है। इसका निर्माण कार्य साल 2018 में शुरू हुआ था। 707 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। मसूरी के हाथीपाव मार्ग पर नाग मंदिर के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से मसूरी सिविल अस्पताल ले जाया गया। बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों को ट्रक ने कुचला। बाइक पर जा रहा था परिवार, एक की हालत गंभीर। वाराणसी में गंगा प्रदूषण, एसटीपीसी प्लांट में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। प्लांट में वॉल्व लीक होने से गैस का रिसाव शुरू हो गया। क्लोरीन गैस का रिसाव होने से 4 लोगों की तबीयत तुरंत बिगड़ गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत शुरू होने लगी। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। ग्रामीणों को 3 किलोमीटर तक दूर कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों रुपए का माल जलकर हुआ राख। पीड़ित ने आग लगाने का लगाया आरोप। सूरजपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव के पास हुआ हादसा। प्रयागराज के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर चाय की दुकान में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। दुकानदार भी घबराकर दुकान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। काफी देर बाद आग को बुझाया गया। सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगने की आशंका। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में 5 साल की मासूम की इलाज के अभाव में मौत। भुखमरी के वजह से मासूम बच्ची ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। वहीं बच्ची के अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद भी धन के अभाव में परिजन भूखे प्यासे बैठे हैं। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर रामपुर का जवान शहीद हो गया। जवान के शहीद होने की सूचना पर परिवार वालों में गमगीन माहौल। शहीद मुकेश बाबू का पार्थिव शरीर 24 तारीख को उनके घर रामपुर के टांडा लाया जाएगा। शालिनी यादव मामले में एक और वीडियो वायरल। लड़की ने कहा निकाह को लव जिहाद ना कहें, अपनी मर्जी से निकाह करने का लिया फैसला। निकाह के पहले शालिनी ने किया है धर्म परिवर्तन। कमेंट्स आ रहे हैं और उसमें बोला जा रहा है कि लव जिहाद, किस बेसिस पे लव जिहाद बोला जा रहा है? आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर सेइंग दैट इट्स अ लव जिहाद। मैंने अपनी मर्जी से शादी की और पता नहीं इस शादी को रिलीजन का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। क्यों ये आप लोग इसको पॉलिटिक्स के जरिए देख रहे हो? क्यों आप लोग इसमें पॉलिटिक्स खेल रहे हो? मेरी आईडी से मेरी वीडियो हटा दी गई, उसके बाद हमारी वीडियो ऐसे वायरल की जा रही है, लव जिहाद, दिस इज नॉट अ लव। How you guys are saying that you guys know what is going in my life?